हाय, मैं हूँ रुंजुन सीजन विद सॉल्ट से। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट दही वड़े। उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स उड़द दाल, इसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखा था, तो अब ये पिसने के लिए रेडी है। फिर ये है आधा लीटर दही, जिसे मैंने एकदम स्मूथ कर लिया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर और नमक डालकर मिक्स कर लिया है। ये इमली की चटनी है, एकदम सिंपल चटनी बना ली है, जिसमें इमली, लाल मिर्च पाउडर, नमक और शक्कर डाला है। ये सर्व करते टाइम काम आएगी। फिर यह है भुने हुए जीरे की पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और तलने के लिए तेल अलग से लेंगे, जो मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट्स में नहीं इंक्लूड किया। सबसे पहले दाल को मिक्सर में बारीक कर ले। दाल पीसते समय मैंने इसमें बहुत थोड़ा पानी डाला, जिससे वो इवनली पिस पाए। आप देख सकते हैं कि ये बहुत पतला नहीं है। अब इसमें नमक डाले। बाकी का नमक मैं तले हुए वड़े जिस पानी में डालूंगी उस पानी में यूज करूंगी। अब हमें इसे फेंटना है। ये थोड़ा लाइट हो जाए तब तक इसे फेंटे। ये इनफ फेटा जा चुका है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैं थोड़ी सी दाल पानी में डाल के देखूंगी। अगर वो पानी पर फ्लोट कर रही है तो उसका मतलब है कि दाल इनफ फेटी जा चुकी है। अब इसके वड़े फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है और एक दूसरे बर्तन में पानी ले लिया है, जिसमें मैं बचा हुआ नमक डाल दूंगी। ये पानी थोड़ा लूक वार्म होना चाहिए, इसलिए इसे भी मैं दूसरे गैस पे रख दूंगी। एक मिनट के बाद पानी के नीचे का गैस ऑफ कर दे। अब थोड़ी सी दाल तेल में डाल के देखेंगे। ये डालते से ही ऊपर आ जानी चाहिए। ये ऊपर नहीं आई तो हम तेल को और गर्म होने देंगे। अब इसमें काफी बबल्स आ रहे हैं, तो हम एक बार और चेक करेंगे। ये ऊपर आ गया है तो इसका मतलब है कि तेल रेडी है, तो इसलिए अब वड़े फ्राई कर लेंगे। मैं चम्मच की मदद से वड़े डाल रही हूँ, पर आप हाथ से भी डाल सकते हैं। एक बार में 5 से 6 वड़े ही फ्राई करें। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह फूल गए हैं। इसे अलट पलट कर सब दूर से इवनली फ्राई करें। इसमें लगभग 4 मिनट लगेगी। ये फ्राई हो जाए तो इन्हें नमक वाले पानी में डाल दे। और फिर कढ़ाई में दूसरा लॉट फ्राई कर ले। दूसरा लॉट भी इसी तरह फ्राई करें और सीधा पानी में ही डालें। मैं एक अलग से प्लेट में निकाल रही हूं। ये ठंडा होने पर मैं इसे खोल के दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा बना है। जब तक वड़े पानी में भीग रहे हैं, उतनी देर में हम दूसरा दही रेडी कर लेंगे, जिसमें वड़े निचोड़ कर डालने हैं। तो थोड़े से दही को मैं पतला कर लूंगी, पर एकदम पानी जैसा पतला नहीं करना है। ये इतना पतला होना चाहिए।
जो वड़ा अलग से निकाल के रखा था वो ठंडा हो गया है। ये अंदर से एकदम जालीदार ब्रेड जैसा लग रहा है और वड़ा एकदम सॉफ्ट बना है। अब जो पानी में डाले हुए वड़े हैं, उन्हें मैं दही में डालूंगी। इन्हें दोनों हाथों से अच्छी तरह निचोड़ ले और सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दे और फिर पतले वाले दही में डाल दे। आप देख सकते हैं कि इनका काफी सारा तेल पानी में निकल आया है, तो वड़े उतने ऑयली नहीं रहे। सारे वड़े दही में अच्छी तरह कोट कर ले। इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी लगभग आधे घंटे के लिए। तब तक ये ठंडे हो जाएंगे और सारा एक्स्ट्रा का दही भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो गया है, क्योंकि वड़े ने सारा एक्स्ट्रा का दही एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब दही वड़े की प्लेट रेडी कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल में 2 या 3 वड़े रखे। फिर ऊपर से जो मीठा किया हुआ दही है वो डालें। फिर उस पे अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा इमली की चटनी डालें। फिर ऊपर से डालें लाल मिर्च पाउडर और भुने हुए जीरे की पाउडर। दही वड़े हमेशा ठंडे ही सर्व करें। तो अगर आपको ये सिंपल समर स्पेशल रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।